बलिया कांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ से बलिया लेकर पहुंची यूपी एसटीएफ, आज की जाएगी कोर्ट में पेशी। बलिया गोलीकांड में दो और आरोपियों संतोष यादव और अमरजीत यादव को बलिया से किया गया गिरफ्तार। मामले में अभी भी 20 लोग हैं फरार। बलिया कांड में पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित परिवार काफी खुश, आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की, बलिया की घटना को लेकर के रखा अपना पक्ष। हाथरस केस में सीबीआई ने चश्मदीद गवाह विक्रम उर्फ छोटू से की पूछताछ। छोटू ने बताया चिलर पर काम करने को लेकर के किए सवाल जवाब। पीएम मोदी आज मैसूर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। सुबह 11:15 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम। प्रधानमंत्री आज ग्रैंड चैलेंजेस वार्षिक बैठक 2020 को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में दुनिया भर के वैज्ञानिक होंगे शामिल। बंगाल में बीजेपी का बड़ा सियासी दांव, 10 दुर्गा पंडालों और जनता के साथ प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है लोकतंत्र। असम और मिजोरम की सीमा पर बसे गांवों के बीच रविवार को अचानक हिंसक झड़प शुरू हो गई। मिजोरम प्रशासन का कहना कि शनिवार को ही असम की तरफ से कुछ लोगों ने ऑटो स्टैंड पर पत्थरबाजी की। जवाब में वेरिंगते गांव के लोगों ने करीब 20 झोपड़े में आग लगा दी। झड़प मिजोरम के वेरिंगते गांव और असम के लैलापुर गांव के लोगों के बीच हुई। कराची में पीजीएम की दूसरी बड़ी रैली, इमरान सरकार के खिलाफ 11 विपक्षी दलों की विशाल जनसभा। कराची में इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों की रैली में उमड़ी भीड़, मरियम बिलावल और फजलुर रहमान रहे मौजूद। विपक्ष ने इमरान सरकार पर लगाया गंभीर आरोप, नेता बोले विरोध करने पर इमरान करा रहे जुडिशियल किलिंग। कराची के मंच से मरियम नवाज ने पीएम इमरान को नानी याद दिला दी, बिलावल बोले नहीं चलेगी कठपुतली सरकार। पाकिस्तान को फिर एफएटीएफ की फटकार, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा आतंकिस्तान। आतंकियों की पाकिस्तान से भारत में घुसपैठ की कोशिश की तैयारी, पीओके के लॉन्च पैड पर करीब 300 आतंकियों के होने की खबर। लाहौल थिंक फेस्ट में शशि थरूर का पाकिस्तान की तारीफ करना बना मुसीबत, बयान पर उनके भाई डॉक्टर जय थरूर ने भी जताई कड़ी आपत्ति। थरूर के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा यही हाल रहा तो फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन जाएगी पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और थरूर पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस राजनीतिक मंडी और मानसिक तंगी से जूझ रही है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में लगातार बढ़ता जा रहा है प्रदूषण, गुरुग्राम फरीदाबाद नोएडा सभी की हालत खराब। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक रविवार देर शाम गुरुग्राम की एक्यूआई 319 रही। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना के दौर में प्रदूषण लोगों के लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। पंजाब में प्रशासन की सख्ती के बावजूद किसानों का पराली जलाना लगातार जारी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा एक दिन में खत्म नहीं होगा प्रदूषण, कम करने के लिए सभी को करना होगा काम। कई महीनों बाद आज फिर से दौड़ेगी मुंबई मेट्रो, कोरोना नियमों का करना होगा पालन। शारदीय नवरात्रों के तीसरे दिन आज देशभर में की जा रही है मां चंद्रघंटा की पूजा, मां के दर्शनों के लिए मंदिर तक पहुंच रहे हैं भक्त। कोरोना के कारण नवरात्रों में भी बाजारों की रौनक फीकी, कर्नाटक के हुबली में दुकानों तक नहीं पहुंच रहे ग्राहक। आज से उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम में खुल रहे हैं स्कूल, कोरोना के चलते पिछले 7 महीने से बंद थे स्कूल। तीनों ही राज्यों में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई आज से होगी शुरू, कोविड गाइडलाइंस का करना होगा पालन। कोरोना पर देश के लिए अच्छी खबर, पिछले 3 हफ्तों में कोरोना के नए केस और मौत में गिरावट दर्ज की गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 61,871 नए मामले आए सामने। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 74,94,000 के पार पहुंचा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,299 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के तकरीबन 9,000 नए केस आए सामने। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,600 नए केस। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 1,71,000 के पार। भोजपुर से सीएम नीतीश ने प्रचार में झोंकी ताकत, लालू राबड़ी शासनकाल पर साधा निशाना। बक्सर के चौसा में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को किया संबोधित। आरा के जगदीशपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रैली, जनता से जीत का मांगा आशीर्वाद। तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, बोले 15 साल से ठगने वाली सरकार की 10 नवम्बर को विदाई तय। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने लॉन्च किया अपना थीम सॉन्ग, बोले बिहार बदले सरकार की कही बात, नीतीश सरकार पर साधा निशाना। पटना में छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश बघेल ने कांग्रेस का चुनावी गीत किया लॉन्च। बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा नए कृषि कानूनों से केवल पूंजीपतियों को होगा फायदा। वोट कटवा कहे जाने पर चिराग पासवान बोले बीजेपी नेताओं को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। इस दौरान चिराग ने एक बार फिर से दोहराया कि बिहार में एलजेपी और बीजेपी की सरकार बनेगी। चिराग के बयान पर कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा चिराग उन्हीं के अनुमान बने हुए जो उन्हें वोट कटवा कह रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा आज वही लोग ज्ञान दे रहे हैं जिन्होंने कट्टरपंथ के जरिए देश को किया रक्तरंजित। सीपीआईएमएल के महासचिव दीप शंकर
भट्टाचार्य ने केंद्र और बिहार सरकार पर साधा निशाना। उन्होंने कहा आज देश में नौजवान ठगे जा रहे हैं। बीजेपी में वापस लौटी विधायक बेबी कुमारी, एलजेपी को लौटाया पार्टी सिंबल। मिशन शक्ति के तहत सीएम योगी ने महिला जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट, राजनाथ सिंह, सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी आज से प्रत्याशियों के चयन के लिए लेगी आवेदन। मथुरा का बांके बिहारी मंदिर एक बार फिर से किया गया बंद, सैकड़ों भक्तों के हुजूम के बाद लिया गया फैसला। कुशीनगर में सरे बाजार हुई दो लोगों की हत्या के मामले में तीन गिरफ्तार, जमीन विवाद में वारदात को दिया गया अंजाम। भदोही की ज्ञानपुर सीट से निर्दलीय विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ रेप का केस हुआ दर्ज। बरेली में नाबालिग से रेप की कोशिश मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी को सुनाई 7 साल की सजा। प्रतापगढ़ पुलिस ने मानवता को शर्मसार किया, घर में घुसकर के महिला को बुरी तरह पीटा। सीतापुर पुलिस ने किया अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज पुलिस और एसओजी टीम ने वाहन चोर गिरोह के दो लोगों को किया गिरफ्तार। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश गिरफ्तार। उत्तराखंड की बस्तियों को लेकर के सीएम त्रिवेंद्र रावत का ऐलान, मलिन बस्तियां अब गौरव बस्तियां कहलाएंगी। मध्य प्रदेश के डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र के लिए प्रचार करते हुए कमलनाथ की फिसली जुबान, बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी को कहा आइटम। कमलनाथ की टिप्पणी पर इमरती देवी के निकले आंसू, सोनिया गांधी से पूछा सवाल, ऐसे में किस तरह से बाहर निकलेंगी महिलाएं। कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तीखी टिप्पणी, एक महिला के लिए आइटम जैसा शब्द इस्तेमाल करने पर उजागर कर दी सामंतवादी सोच। कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर बढ़ के शिवराज भोपाल में गांधी प्रतिमा के पास आज करेंगे सत्याग्रह। खंडवा में ज्योतिरादित्य सिंधिया की सभा में किसान के हार्ट अटैक से मौत, 2 मिनट के मौन के बाद ज्योतिरादित्य ने शुरू किया भाषण। उज्जैन में जहरीली शराब से मौत मामले में सीएम सख्त, एसपी का ट्रांसफर, सीएसपी और एएसपी सस्पेंड। दुर्ग में 5 दिन बाद टूटा सांसद विजय बघेल का अनशन, रमन सिंह का बयान, शराब लॉबी के लिए नीचे गिर गई सरकार। जबलपुर में आदित्य का अपहरण करके हत्या करने वाले मुख्य आरोपी राहुल की हुई मौत। भोपाल में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाने के नाम पर छात्रों से ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान के किसानों को गहलोत सरकार देगी बड़ी राहत, रबी फसल के लिए 20 लाख किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने जारी की जोधपुर उत्तर और दक्षिण के प्रत्याशियों की लिस्ट। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैंसला समेत 32 लोगों के खिलाफ केस हुआ दर्ज। अजमेर के किशनगढ़ में दिन दहाड़े फायरिंग, हरमाड़ा सरपंच के बेटे की हुई मौत। जयपुर में एसीबी की वैशाली नगर डिपो में हुई कार्रवाई, रोडवेज का टाइम कीपर 3,000 की घूस लेते ट्रैप। अजमेर के केकड़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 10 किलो डोडा पोस्त किया बरामद। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब के भरे हुए डंपर को किया जब्त, 2 तस्करों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। हैदराबाद में लगातार बारिश से हालात खराब, कई इलाके अब भी पानी में डूबे। सेबी ने म्यूचुअल फंड की खरीद बिक्री का समय बदला, 12:30 बजे के बजाय 3 बजे तक किया वक्त। स्पेक्ट्रम नीलामी का इंतजार खत्म, नीलामी कराने के लिए एमएसटीसी का चयन हुआ। साल 2020-21 में एलआईसी को 15,000 करोड़ का शुद्ध मुनाफा हुआ। आईपीएल में नया रिकॉर्ड, 2 सुपर ओवर तक चला मैच, पंजाब और मुंबई का हुआ मैच। विस्कॉन्सिन में राष्ट्रपति ट्रंप ने रैली की, जो बाइडेन का उड़ाया मजाक, बोले जो बाइडेन सबसे खराब उम्मीदवार। अफगानिस्तान के घोर प्रांत में भीषण ब्लास्ट, 12 नागरिकों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। सदगुरु जगी वासुदेव से मिले हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ, सदगुरु ने बिल और उनके परिवार की तारीफ की। राजकुमार राव और नुसरत स्टारर फिल्म छलांग का ट्रेलर हुआ रिलीज। प्रकाश झा ने किया वेब सीरीज आश्रम के दूसरे एडिशन का ऐलान। रणबीर कपूर और कजन आदर जैन अपनी गर्लफ्रेंड तारा सुतारिया से जल्द कर सकते हैं शादी। रेत में फंसी कार को निकालने की हो रही है कोशिश, लेकिन कार का आगे का हिस्सा टूटकर निकल गया। वाटर पार्क में शख्स की मस्ती को आप देखिए, स्लाइडर पर फिसल करके शख्स काफी देर तक हवा में रहा। एम्बुलेंस के पीछे खड़ा होकर के शख्स हेलीकॉप्टर को नीचे उतरते हुए देख रहा है, लेकिन अचानक एम्बुलेंस का दरवाजा बंद हो गया। शख्स सड़क पर बने पानी के पाइप को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाइप टूट जाता है। देखिए सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सावधान रहना चाहिए, सावधानी हटने पर भयानक सड़क हादसा हो सकता है। सड़क पर पानी बह रहा है, तभी अचानक एक बड़ा सा सांप आ जाता है। शख्स सांप की पूंछ से पकड़ करके उसे बोरे में बंद करने की कोशिश कर रहा है। शख्स घर के अंदर रखे डोरमेट को चोरी करने की कोशिश कर रहा है, सीसीटीवी में घटना हुई कैद। आइस हॉकी के मैदान पर सफाई का काम जारी है, लेकिन तभी सफाई कर रही मशीन में ही आग लग जाती है। कांच के टेबल पर खेल जारी है, लेकिन तभी शख्स आपस में भिड़ जाते हैं। बाइक सवार सुनसान सड़क पर बाइक की स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाता है और पास में ही मौजूद पेड़ से जा टकराता है।
अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान का ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर करिए क्लिक और देश और दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।